हाय टू फैमिली, आपका स्वागत है बबीता किचन में। आज हम बना रहे हैं अचार की मिर्च। मैंने ली 1 पाव मिर्च मोटी वाली। अब इसको काट लेंगे एक एक करके, इस तरीके से काट लेंगे जो मसाला अच्छे से भर जाए। ऐसे दूसरी भी काट लेंगे, ऐसे एक एक करके सारी मिर्च काट लेंगे हम। अब हम सारी मिर्च काट ली है। हमें इस रेसिपी के लिए हमें काली वाली राई चाहिए, सौंफ चाहिए, मेथी और जीरा। चलिए इसको सेक लेते हैं। सौंफ डालेंगे, काली वाली राई डालेंगे, मेथी डालेंगे, जीरा डालेंगे। सभी को ऐसे सेक लेंगे धीमी आंच पे। 2 मिनट सेकेंगे इसको। अभी हमारे सिक गया है। अब इसको मैं ठंडा करने रख देंगे। गैस बंद कर दी, अब इसको ठंडा कर लेंगे। तो इसको प्लेट में कर लेंगे। अब इसको ऐसे ठंडा कर लेंगे, फिर पीसेंगे इसको। हम डालेंगे मिक्सी में, इसको पीस लेंगे। इसको जब भी पीसना है ये ठंडा हो जाए, और प्लेट में निकालेंगे। ये दरदरा सा पीस लिया मैंने इस तरीके से, ऐसे मोटा मोटा। हम हल्दी डालेंगे कलर के लिए, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, डालेंगे सरसों का तेल डालना है, इस सब जो मसाला गीला हो जाए। हम गन्ने का जो छिड़का बनाया जाता है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से मिला लेंगे, ऐसे सारा मिला लेंगे इस तरीके से, ऐसे मिलना चाहिए। अब इसको हम भर लेंगे इस तरीके से, ऐसे करके मसाला भर लेंगे इस तरीके से। ऐसे ही सारी मिर्च हम भर लेंगे एक एक करके, सारी इस तरीके से। हमारी मिर्चा हो गई तैयार। और ये जार में भी रख सकते हो, और ऐसे भी रख सकते हो, और प्लेट में भी रख सकते हो। आपको रेसिपी पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।